महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। एमपी में मामा राज के बाद मोदी के मोहन की सेना ने राजपाट संभाल लिया है। सोमवार को सीएम की शपथ के 12 दिन और विधानसभा चुनाव के नतीजों के 22 दिन बाद पूरे 28 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इसमें खास बात ये रही कि नारी शक्ति का दबदबा देखने को मिला, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में मोहन यादव ने अपनी लाडली बहनों का बखूबी ख्याल रखा। उन 28 मंत्रियों में 5 महिला विधायकों को भी शामिल किया है। चलिए आपको तफसील से बताते हैं मोहन कैबिनेट की 5 महिला मंत्रियों के बारे में। सबसे पहला नाम है राधा सिंह का, जिन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। राधा सिंह चितरंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके ससुर जगन्नाथ सिंह भाजपा में मंत्री पद पर रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उनके बाद राधा सिंह राजनीति में आई, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस बार राधा सिंह ने 59,879 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी मानिक सिंह को हराया था। राधा सिंह के बाद मोहन कैबिनेट में जगह बनाने वाली बीजेपी की विधायक प्रतिमा बागड़ी हैं, जो पहली बार रैगांव विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई और सीधा मंत्री भी बन गई। उन्हें भी राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हालांकि रैगांव विधानसभा सीट से साल 2021 में उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। इस बार प्रतिमा ने 30,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, एमपी के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुत्रवधु कृष्णा गौर को भी मोहन यादव के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नवाजा गया है। कृष्णा गौर ने लगातार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के गिरीश शर्मा को 359 वोटों से हराया था। राज्य मंत्री से पहले वो साल 2009 से 2014 तक भोपाल की मेयर रही। 2005 में एमपी राज्य पर्यटन निगम की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नियुक्त मंत्री श्रीमती मोहन कैबिनेट में नारी शक्ति का दबदबा दिखाने के लिए संपतिया उइके को भी जगह दी गई है, जो कि मंडला विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। संपतिया उइके राजनीति से पहले मजदूरी करती थी। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत टिकड़वारा से सरपंच का चुनाव लड़ा और जीती। इसके अलावा उइके राज्यसभा सांसद और 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मोहन यादव सरकार में आदिवासी नेता निर्मला भूरिया को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया है। निर्मला इस बार पेटलावाद सीट से 5वीं बार विधायक बनी है। शिवराज सरकार में वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी थी। निर्मला ने झाबुआ अलीराजपुर जिले में पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी। उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। निर्मला ने भी 1993 में पहली बार कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। जहां मौजूदा मोहन सरकार में 5 महिला मंत्रियों को तरजीह दी गई है, वहीं पूर्व की शिवराज सरकार में सिर्फ 3 महिलाएं ही मंत्रिमंडल में थी। बता दें कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या अब 31 हो गई है। हालांकि शिवराज सरकार में भी टोटल 31 ही मंत्री थे। बहरहाल मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में महिलाओं का बोलबाला रहेगा और उनका पूरा फोकस बाकी मुद्दों के साथ महिलाओं के उत्थान पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।